देखे नाजरीन, बेटे ने कहा कि आप उस वक्त मजदूर लगाएंगे जब काम खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर पहले वो क्लिप में आपको दिखा देंगे, जब इसने कहा है वो क्लिप भी आप देख लेंगे। आखिर मैं खुद आले के मेरे हाथ नहीं है, मैं काम तो नहीं कर सकता, लेकिन जो आप देखते हो क्या ट्राई करते हैं मैं कर सकता हूँ या नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ी सी आइए, थोड़ी सी, फिर भी थोड़ी सी। देखे जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी होता है कर तो रहे, कर तो रहे अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखे जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, हिम्मत कभी नहीं हारी नादरीन। भले माजूर हूँ लेकिन हिम्मत कभी नहीं हारी, हिम्मत कभी नहीं हारी। हालांकि ये काम मजदूरों का है, लेकिन इंसान के पास जब सेल होते हैं तो फिर वो काम मजदूर लगा के करवा लेता है, जब ना हो तो फिर खुद ही करना पड़ता है, खुद भी करना पड़ता है। हालांकि मेरे बूट खराब हो रहे हैं, मिट्टी पड़ती है बीच में, जो मेरे इसके पैर है ना आर्टिफिशियल मसनू, उनको नुकसान होता है, उनको भी नुकसान होता है, लेकिन नहीं करना चाहिए। उसके बावजूद मैंने कहा चलें जी थोड़ा सा बेटे की हौसला अफजाई हो जाए, ये काम कर लो। अल्हम्दुलिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं हैं अल्लाह आपको खुश रखे, दुनिया और आखिरत की भलाई दे, आसानी दा फरमाए। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, हमारी एक बहन है यूके से, उनकी वालदा साहबा दुनिया फानी से वफात चली गई, रुख्सत हो गई। अल्लाह उसकी मकर फरमाए, उनके दर्जात बुलंद करे और वर्षा को सब्र जमील अता करे और अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश भी उनके हक में नसीब हो और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में मुबारक से अल्लाह रब्बुल इज्जत औज़े कौसर से जाम भी पिलाए। और इसी तरह तमाम उन लोगों के लिए दुआएँ हैं जो इस दुनिया फानी से जा चुके हैं, उन सब के लिए दुआ है जो दुनिया फानी से जा चुके हैं, और जो पीछे रहते हैं अल्लाह उनको सब्र जमील अता करे, और जो बीमार है अल्लाह रब्बुल इज्जत सेहत दे शिफा दे। मैं बेगम को भी कहूँगा ये भी दुआ करेगी, सलाम भी करो, आमीन 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 या रब्बुल आलमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन, आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं कोशिश करूँगा कि उस माँ की जो दुनिया पानी से जा चुकी है, मैं वो तस्वीर जो है ना अगर इसमें एडिटिंग हो सकी तो मैं कर दूंगा। बाकी आपने हमारी वीडियो को पूरा देखना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, फॉलो भी करें, सब्सक्राइब भी करें, मेहरबानी होगी, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, अल्लाह की रज़ा की खातिर शेयर करें। नाज़रीन, मैं आपको ये जो रास्ता दिखा रहा हूँ बारिश से, यानी कि अब तो कुछ माशाल्लाह नॉर्मल बारिश हुई है, ना होने के बराबर ये बादल आप देख रहे होंगे, हर तरफ बादल ही बादल, और ये रास्ता किसी की मक्की है वो काफ़ी दूर तक, और ये रास्ता है कच्चा, और बैक साइड भी ऐसे ही है, बैक साइड भी ऐसे ही है इस तरफ, ठीक है जी, ऐसा ही है। और हमने यहाँ से आना जाना होगा, जब बारिश हो तो यहाँ से हमारा गुजरना मुश्किल होता है। बाकी आगे तफसीलात जाके बताते हैं, जिस घर में हमने रहना है वो हम आपको आप जाके। नाज़रीन देखें, ये बादल गजने की आवाज़ आ रही है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। ये देखिए बेगम मेरी को मेरे ख्याल में सुनाई इतनी सी आवाज़ दी होगी, इतनी सी आवाज़ जिसने कानों का हाथ लगाया है भाई। और ये देखें बादल इस तरफ, इतने बादल घने हैं, छाए हुए हैं, अल्लाह अपनी रहमत करे, अपना फजल करे और गैब से मदद आ करे, आमीन 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 आमीन, अल्लाह अपना फजल करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। अब ये नीचे से मुकम्मल कटाई करें ताकि साथ साथ सफाई भी होती जाए, डबल काम ना हो, साथ साथ सफाई भी होती जाए। ये देखें ये आपके सामने लगी हुई है माशाल्लाह, अल्लाह ताला नेक करे, इन्हें नेक बनाए। बेचारी नहीं बोल सकती, सुन नहीं सकती, लेकिन काम तो माशाल्लाह कर रही है ना। नाज़रीन देखें, इसका हालांकि बीज भी बन सकता है, हालाँकि बीज भी बन सकता है। ये भूंगरे हैं, भूंगरे आप शहर के बीच में, विलेज शहर के, सिटी के लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता, कोई यानी कि जानता हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर बताए। नाज़रीन देखे, मिस्त्रियों वाला काम ये खुद कर रही है। यहाँ पर वसी गंद खराबा था, बहुत वसी, इन पौधों की हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है।
आपके सामने इंशाल्लाह निफाज़ पौधों की हिफाजत होगी। और साथ वो अगला जो पौधा है वो देख रहे हैं आप, इसका लसूड़ा है, लसूड़ा। और यहाँ से बच्चों को स्कूल छोड़ना मेरे लिए बड़ा मुश्किल बन रहा है। देखें जी ये ड्रिप उतार रहे हैं, ड्रिप मुकम्मल हो गई है, ये आपके सामने है, ये उतार रहे हैं जी, उतार ली भी कदा। और अब जो है हमने दवाई बाकी लेनी है, दवाई लेके खुराकें और फिर घर को चले जाएंगे। तबीयत कह रही अभी भी तबीयत सेट नहीं है, इंशाल्लाह इधर डॉक्टर साहब को दिखा के फिर जाएंगे। देखें जी नाज़रीन ये बेगम मेरी को ड्रिप लग चुकी है आपके सामने, और आप फिर हॉस्पिटल में एक दफ़ा, और वही काम ये दीवारों के साथ बांधी हुई है ड्रिप, और ये डॉक्टर साहब के जो है ना मैदे काम कर रहे हैं, ये सुराख करके जा रहे हैं। तो नाज़रीन देखें इसके हाथ पे ड्रिप लगी हुई है, खुद इसको नींद आ चुकी है, ड्रिप जो है एंड होने वाला है, ये ख़त्म हो रही है, देख रहे हैं ये पानी इसमें कम रह गया है। और ये हॉस्पिटल हमारा देखें, इलाके का जो गांव का हॉस्पिटल है वो दीवारों के साथ उसकी ड्रिप पे लगी हुई है, दीवारों के साथ बांध के खड़ा किया हुआ है ये देखें। और ये बेचारी यहाँ लेटी हुई है, और दवाइयों के पैसे बहुत ज़्यादा बन जाते हैं, और जबकि हमें इलाज की ज़रूरत तो है, दुआ करें लाइन से तेज शफा दे। नाज़रीन ये मच्छर देख रहे हैं, मच्छर हाथ के ऊपर, मेरी बेगम के हाथ के ऊपर, और उड़ भी रहा है, और भी इसको बेगम मेरी ने मार दिया, ये देखें। मैं कहता ये ज़िंदा अभी हिल रहा है, वो देखे टांग अपनी हिला रहा है, अभी ज़िंदा है, अल्लाह माफ़ करे, इसको बुखार भी है बेगम मेरी को, तबीयत नासाज है, अल्लाह ताला इसको सेहत दे शफा दे, अल्लाह इसे सेहत दे शफा दे, सेहत दे शफा दे, दुआ करना अल्लाह ताला इसे सुख दे, सेहत दे शफा दे। नाज़रीन देखें जो ये मिट्टी जो है ना, हमने यहाँ पे रोटावेटर करवाया था इस जगह पे, और ये ट्रैक्टर ट्राली आ गई है, इनको लाया है मज़दूरों को, और इनसे जो है ना हम ये भरवाएंगे, यहाँ से अंदर फेंकवाएंगे इसी हवेली के अंदर, क्योंकि अब यहाँ से उठाकर इधर ये साथ साथ जा सकते थे बच्चे, यहाँ से जा सकते थे, यानी कि तासले भर भर के, लेकिन बड़ी तकलीफ़ और बड़े टाइम लग जाना था, और बच्चों ने थक जाना था, इस वजह से फिर जो है ना मैंने कहा कि नहीं जी हम ट्राली लगाते हैं, और ये काम ही ट्राली का है, और एक दो रेड़ियों का तासलों का काम नहीं है, ये बकायदा दो या तीन ट्रालियाँ हमें यहाँ से भरवानी होगी। आ गए जनाब, खुश हो, ठीक है जी, ये उठानी है। नाज़रीन आपने वहाँ की पहले भी वीडियो देखी है, जिस घर की जिसमें हमें जाकर रहना है, वहाँ काम का जो हो रहा है, और हम चाहते हैं कि इससे काम ना लें, हमारी ख्वाहिश तो ये कि काम इनसे ना लें, ये आराम से बैठी रहे और इसकी मनपसंद का काम हो जाए वहाँ पे। लेकिन इंसान एक है, जिस तरह मेरी हालत है, मैं देखता हूँ आप मुझे यानी कि देख रहे हैं, मैं खुद ये काम नहीं कर सकता, मैंने मजदूरी वगैरह खुद नहीं कर सकता, बच्चे जितना उनसे होते हैं वो भी कर लेते हैं, लेकिन उनसे भी नहीं होता, मेन बात ये कि उनसे भी नहीं होता, लेकिन क्या करें, करना तो है। वहाँ अभी तक हमारा यानी कि पानी का मसला अब तक हल नहीं हुआ, हम चाहते हैं कि वहाँ पानी का मसला हल हो, साथ बिजली का मसला हल हो जाए, वहाँ सोलर प्लेट ले ली जाए, और उस छोटी तराई वाले उससे हम डोंकी पम्प भी चला लें, यानी डोंकी पम्प लग जाए उसको भी चलाएँ, पानी अपनी ज़रूरत के मुताबिक बसी है, पानी की ज़रूरत है वहाँ, क्योंकि कई दिन का वहाँ पे काम भी होगा, और पानी की बार बार वहाँ पे मारना है, मिट्टी या खाका है उसके ऊपर पानी मारना बार बार डेली, यानी कि बेस पे ये काम करना है, बच्चों ने नहाना भी है, कपड़े भी धोने हैं वहाँ पे, तो हम चाहते हैं एक साथ बैटरी हो, उसकी जो ना बैटरी भी उसी प्लेट के ऊपर भराई होती रहे, साथ जिस टाइम जरूरत है पानी की तो टंकी पम्प चला लिया, जब पानी की जरूरत नहीं है प्लेट में फारिग पड़ जा, पंखे की जरूरत है पंखा चला लिया सोलर वाला, और जब पंखे की जरूरत नहीं है साथ बैटरी जो है ना उसको भर लिया। ये देखिए ऐसे अब उदासियों में गुम होके बैठी है, परेशानियों में गुम होके बैठी है, सोच रही है कि क्या होगा, और लेकिन जिसने भी वहाँ काम किए आपने देखा है, कमेंट्स किए कुछ बहन भाइयों ने कि आप उनसे काम ना कराए, लेकिन क्या है काम मजबूर है उनसे करें, अब डेली मिस्त्री की दिहाड़ी, मिस्त्री दिहाड़ी दे रहा है यहाँ 1300 से लेकर 1500 रुपये दिहाड़ी दे रहा है, मजदूर ले रहा है 1000 रुपये दिहाड़ी, और वो सुबह आते हैं 8 बजे काम जाके शुरू करते हैं 8:30-9, और इस तरह शाम 5 बजे से पहले रस पड़ो छुट्टी करके चले जाते हैं, चले जब बंदे के बाद उसे लोग तो काम करवा लेते हैं, पैसों का मसला नहीं, पैसे हो तो फिर बंदा काम करवा लेता है। हमारे ख्याल जिन बहन भैया ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो जरूर शेयर करें,
हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, बारी बार पूरा सपोर्ट करें और वीडियो को पूरा देखा करें। नाजरीन, एक ट्राली तो पहले उतार के यहाँ चले गए, अब दूसरी ट्राली एक और भर के लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे है रेत, सारी रेत है, उस वजह से बड़ी मुश्किल होती है ओढ़ के आनी थी ऊपर, फिर वापसी बैग, यानी कि क्योंकि वो गेट के पिलर को नुकसान ना पहुँचे, ये दोबारा अंदर लेके आएगा। नाजरीन, आपने हमारी वीडियो देखी और यहाँ जाने से पहले गुजारिश है कि जिन पर मैंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि दुआ याद रखना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।